50 लुंडे इधर से आते हैं, स्कूल के गेट पे हाथ मारते हैं। 3 घंटे बाद फायर ब्रिगेड आई है यहाँ पे। यहाँ पर आग लगा दी 2 आदमियों ने। स्वागत है आप सभी का R9 टीवी में। वक्त है दिन की सबसे बड़ी बहस का। आज की इस बहस में एक ऐसे मुद्दे के साथ में मैं आपके सामने हूं जिसमें समझने की कोशिश करेंगे कि देश के अलग अलग राज्यों में आजाद भारत में जितने भी दंगे हुए, उन दंगों के पीछे उसकी आड़ में धर्म कहीं ना कहीं जरूर रहा है। धर्म की दुहाई देकर के ऐसे लोगों को तैयार किया गया, चाहे वो राजनीतिक पार्टियों के जरिए हो या फिर और किसी संगठन के जरिए, जिन्होंने एक दूसरे की दुश्मनी इस कदर बढ़ाई आगे के एक दूसरे की दुकानें जला दी, घर जला दिए, मकान जला दिए, जान ले ली, न जाने कितने बेशुमार जान ले ली। गृह मंत्रालय की रिपोर्ट 2018 में आती है, 2014 से 2017 के बीच में करीब 3000 दंगे हुए देश के अंदर, जिसमें करीब 400 लोग मारे गए, और यही औसत कमोबेश यूपीए सरकार यूपीए 1 और यूपीए 2 के बीच का रहा है। सवाल यह है कि चाहे भागलपुर का दंगा हो, कश्मीर का दंगा हो, असम का दंगा हो, क्रिश्चियंस को जिंदा जलाने का मामला हो, या फिर 84 का सिख विरोधी दंगा हो, या फिर मुंबई का दंगा हो, गुजरात हो, या फिर दिल्ली हो, इन सभी दंगों के पीछे कहीं ना कहीं वजह जिसके बुनियाद पर लोगों को भड़काया जाता है और फिर उस दंगे के जरिए राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी सियासी रोटी सेकते तो जरूर हैं, मगर वो आम लोग जिसने अपनों को खोया, वो आम शख्स जिसने अपनी जमीन जायदाद दुकान मकान सब कुछ, यहां तक कि कई सारी औरतें विधवा हो गई, बच्चे यतीम हो गए, किसी के बुढ़ापे की लाठी टूट गई, उन सभी लोगों के लिए मुआवजे का मरहम सरकारें तो लगा देती हैं, मगर उस दंगे से वो फायदा हासिल करती हैं जिसके बुनियाद पर बरसों बरस राज करती हैं, सत्ता में रहती हैं। आज हम इसी पर समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर धर्म का अफीम क्या इस कदर लोगों को सुघा करके, उनको भड़का करके, उनके इमोशन, उनकी भावनाओं के, उनके जज्बात के सहारे से एक दूसरे का दुश्मन बनाया जाता है और फिर तमाम दंगे की आड़ में धर्म ही आ जाता है। चर्चा इस पे करेंगे, मगर इससे पहले रिपोर्ट देखिए। हम व्यापारी आदमी, बिजनेसमैन आदमी, हमें अपने काम से मतलब है। मेरे पड़ोस में एक दुकान है, हमें 11 ऊपर से रहते हैं, बस दंगाई ने क्या क्या सोचा। मैं कहता रहा अगर ये टूट जाए, मारने के लिए क्या, अगर ये टूट जाए तो हमें भी खत्म कर देते, मार देते। गलत हुआ है, मैं समझता हूँ ऐसा किसी भी स्कूल के साथ नहीं होना चाहिए, तो मेरा अपना स्कूल था, किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए। अभी चंद दिनों पहले की ही तो बात है, दिल्ली के उस दहलाने वाले मंजर की तस्वीरें अभी भी जहन में ताजा है। अभी भी बाकी हैं उन जख्मों के निशान, अभी भी रिश्ता है खून उन घावों से, अभी भी समझ नहीं आता कि दिल्ली के दिल में इतनी कालिख कहां से आई, कहां से आई इतनी नफरत। ये न्यूज के जरिए पता लगी हमारी दुकान जल गई है, पड़ोसियों ने बताया कि हमारी दुकान जल गई है, उसके बाद में ये हालत हुई कि उस टाइम पे हमने 100 नंबर पर फोन करा, उस टाइम पे 101 नंबर पर कोई नहीं आया। आज हम देखने आए, डर डर के तो देखने आए। उस वक्त मैं यहीं मौजूद था, यहाँ भी आग लगी पड़ी थी, गाड़ी में आग लगी थी मौजूद। किसने लगाई, कैसे लगाई? बस दंगे ही थे जी, कुछ हल्ला गुल्ला इधर से हो रहा था, कुछ हल्ला गुल्ला इधर से हो रहा था, पत्थरबाजी हो रही थी बाहर बिल्कुल। क्या कसूर था उन बच्चों का जिनके भविष्य को जला डाला गया? क्यों जला दिया गया? शिक्षा के मंदिर पर आग क्यों लगा दी गई? क्यों फूंक दी गई दुकानें, मकान, जाने कितनों के आशियाने तबाह हो गए? इतने नुकसान के बाद सवाल उठता है, ये ख्याल आता है कि क्यों सालों से भाई भाई की तरह रहने वाले लोग एक दूसरे की जान के दुश्मन बन बैठे।
खामोश नजरें यही सवाल पूछती हैं कि हिंसा की आग में झुलसने वालों, क्या हिंदू क्या मुसलमान, सब इंसान ही तो हैं। हमने जो है जी 20-20 आदमियों की, 20 मोमडन 20 हिंदुओं की कमेटी बनाई और हर गली में गली गली घूमे और लोगों को समझा कि इससे डरने की कोई जरूरत नहीं है, अफवाह से दूर रहो। धर्म के नाम पर शुरू हुआ दंगा और दंगे का नतीजा ऐसा निकला कि आज अपनों की तलाश में क्या राम और क्या रहीम, कौन हिंदू और कौन मुसलमान, सभी इंसान अपनों की तलाश में अपनों की निशानी, कुछ तस्वीरें लेकर खोज रहे हैं, दर दर घूम रहे हैं। लेकिन धर्म को संकट में बताकर हिंसा का खेल खेला गया, उसका नतीजा कुछ ऐसा निकला कि वीरान हो गई उत्तर पूर्वी दिल्ली, सूने पड़े खंडहर और खामोश हो चुके मोहल्ले एक ही सवाल कर रहे हैं कि किसका धर्म खतरे में था जो इंसानों ने इंसानियत को भुला दिया, भाईचारे को आग लगा दी। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 TV, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। तो वो मकान जहां पर कभी लोग रहा करते थे आज वो खंडर में तब्दील हैं, वो दुकानें जलकर राख हो चुके हैं, और इन सब का जिम्मेदार कौन, क्या धर्म, धर्म की वजह से, और अगर धर्म की वजह से तो फिर क्या धर्म का गलत तरीके से इस्तेमाल ऐसे दंगाई या ऐसे दंगाइयों की आका कर रहे हैं। इससे पहले कि चर्चा की शुरुआत करें, आइए R9 TV के माध्यम से जनता के उन सवालों को आपके सामने रखते हैं जिसके बुनियाद पर चर्चा आगे ले जाए। नेता धर्म के नाम पर कब तक लोगों को बांटने का काम करेंगे, साथ ही साथ में धार्मिक दंगे से लोग किसको नुकसान पहुंचाते हैं और इससे हासिल क्या होता है, आखिर कौन सा धर्म आपस में लड़ना सिखाता है जबकि सभी धर्म कहते हैं कि एक दूसरे के धर्म की इज्जत कीजिए, क्या धार्मिक दंगे नया सियासी हथियार बन चुके हैं और ये शुरू से नहीं है क्या। ऐसे में जाहिर तौर पर जब किसी भी दंगे की वजह तलाशती हुई पुलिस, सुरक्षा एजेंसियां, जांच एजेंसियां आगे बढ़ती है तो उस दंगे के पीछे जो मोमेंट्री रिएक्शन वजह होती उनको तलाश तो लेती हैं, मगर क्या कभी इस बात को लेकर के चर्चा हुई कि क्या दंगे के पीछे धर्म एक बड़ा कारण है, और अगर धर्म एक बड़ा कारण है तो किस तरीके से उन धर्मों का इस्तेमाल ऐसे लोग कर लेते हैं और उनके जाल में ऐसे लोग फंस जाते हैं और फिर चारों तरफ खून की नदियां होती हैं। हमारे साथ में कई सारे मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं, चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता इस वक्त कैप्टन आई सिंह साहब जुड़ चुके हैं, स्वागत है सर आपका। साथ में हमारे साथ में कांग्रेस पार्टी के नेता विनोद सिंह साहब, आपका भी स्वागत है सर। वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर जिन्होंने एक नहीं कई सारे दंगाओं को कवर किया है, देखा है जमीनी स्तर पर, उनके तजुर्बों की बुनियाद पर भी समझने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर सुनील कौशिक साहब हमारे साथ में, स्वागत है सर आपका। साथ में हिंदू धर्म गुरु के तौर पर आप अक्सर टीवी डिबेट में इनको देखते हैं, यति चेतनानंद सरस्वती जी हमारे साथ में, स्वागत है मैडम आपका। साथ में मुस्लिम स्कॉलर के तौर पर मौलाना साजिद रशीदी साहब हमारे साथ में जुड़े हैं, आपका भी स्वागत है सर। साथ में गुरुद्वारा प्रमुख है हमारे साथ इंद्रजीत सिंह साहब, क्योंकि एक ऐसा दंगा जिसे सिख समुदाय ने भी झेला है, जिसे कभी भूला नहीं जा सकता। आज उन तमाम चीजों के परिप्रेक्ष्य में समझने की कोशिश करेंगे कि धर्म आखिर क्या इसकी वजह बनता है। स्वागत है आपका सर। साथ में जोसेफ मसीह साहब हमारे साथ में लखनऊ स्टूडियो से जुड़ रहे हैं, क्रिश्चियन स्कॉलर हैं, क्योंकि इस देश में सभी धर्मों के लोगों को जलाया गया, सभी धर्मों के लोगों को मारा गया, उसमें हिंदू भी शामिल है, मुस्लिम भी शामिल है, सिख भी शामिल है, क्रिश्चियन भी शामिल है, सब लोगों के तजुर्बों के आधार पर आज हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। और एक्स DCP दिल्ली पुलिस हमारे साथ में GS अबाना साहब है, जो कि बताएंगे कि आखिर इन तमाम चीजों को रोकने के पीछे की जो स्ट्रैटेजी होती है वो क्या नाकाम हो जाती है या कहीं कोई चूक हो जाती है। आप सभी लोगों का शुक्रिया के साथ में स्वागत है। शुरुआत मैं आज की इस चर्चा के आपसे ही करना चाह रहा हूं। GS अबाना साहब, जिस तरीके से देश आजाद भारत की अगर बात करें 1946 के कोलकाता राइट से ही अगर बात कर ले, बहुत सारे अलग अलग जगहों पर दंगे हुए जिसका जिक्र मैंने शुरुआत में इस कार्यक्रम की शुरुआत में किया, मैं किसी स्पेसिफिक दंगे की बात नहीं कर रहा, मगर जब जब दंगा होता है आशंका तो जरूर होती है पुलिस प्रशासन, सरकार, इन्वेस्टिगेटिव इंटेलिजेंस एजेंसीज को, मगर क्या उस आशंकाओं को, उस खतरे को इग्नोर कर दिया जाता है
या उस हिसाब से तैयारियां नहीं की जाती है, या फिर यह समझा जाता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा? जब्बार भाई, पूरी आशंका भी होती है और तैयारी भी लोग करते रहते हैं। आपने देखा होगा कि पुलिस समय समय पर जो भी धर्म गुरु हैं उनके क्षेत्र में, उनसे मिलते रहते हैं, बात करते रहते हैं, और अगर दंगा हो जाए उसके बाद अमन कमेटी होती हैं और अल्टीमेटली उसी से ही हल होता है जो अमन कमेटी होती है। पर ये एक वास्तविकता है कि जो आग लगती है उसमें बहुत सारे दंगों में धर्म जो है एक मुख्य कारण रहता है। यानी कि आप बतौर एक पुलिस अधिकारी के, आपने लंबे समय तक आपने काम किया है, अपने सेवाएं दी हैं, पुलिस भी या ऐसी एजेंसीज भी मानती हैं कि इन तमाम चीज़ों के पीछे धर्म एक बड़ा और प्रमुख कारण रहा है? बिल्कुल, हम मानते हैं कि धर्म एक कारण है और इसमें कुछ लोगों का निजी स्वार्थ होता है और वो धर्म की आड़ लेकर अपने निजी स्वार्थ का उल्लू जो होता है उसको सीधा करते हैं, और ये बिल्कुल स्पष्ट है और भुगतना पड़ता है आम इंसान को कि वो इस तरह की बातें करते हैं, भड़का देंगे एक बार भावनाओं को, रॉयट हो गया, उसके बाद बेचारे मरते रहेंगे वो। ठीक है, ठीक है, मैं एक एक बार सबकी तरफ एक एक सवाल लेकर के आऊँगा, उसके बाद वे इस चर्चा को ओपन करते हैं। और ऐसी स्थिति में कैप्टन आय सिंह साहब, सरकारें किसी की भी रही हो, किसी भी पार्टी की सरकार रही हो देश में या राज्यों के अंदर, दंगा सभी पार्टियों की सरकारों में हुआ है। मैं किसी स्पेसिफिक दंगे की बात नहीं करूंगा, सवाल यह है कि वो दंगाई या ऐसे लोगों को भड़काने का काम सभी पार्टियों के नेता करते हैं और इसके एग्जाम्पल भी मौजूद है। क्या इस पर पार्टियां अपने स्तर पर कोई काम नहीं करती हैं या पार्टियां इससे अनदेखी करती कि साहब अगर ये नहीं होगा तो हमारा फायदा नहीं होगा? नहीं जब्बार भाई, ऐसा नहीं है, हर पार्टियां को हम नहीं कह सकते हैं, मगर ये सत्यता है कि कुछ पार्टियों की राजनीति ही सिर्फ दंगे भड़काने में और जातिवाद पे ही निर्धारित है, उनके पास और कोई रास्ता नहीं होता। मगर भोली भाली जनता हमारी इनके चालों को नहीं समझ पाती है और इनके बहकावे में आ जाती है। जैसे अभी दिल्ली में जो शुरुआत हुई है, जो आपने देखा होगा कि किस तरह से जो है ना लोगों को कहां से शुरुआत हुई, शुरुआत एक जो है ना आम सभा के माध्यम से हुई, वहां से भड़काने वाले भाषण दिए गए, लोगों को जो है ना उकसाया गया कि आप जो है ना बाहर निकलें और रोड पे आएँ। उसको देख के फिर जो है ना दिल्ली की सरकार थी, वो भी चुनाव चल रहे थे, उन्हें दोबारा सरकार अपनी रिपीट करने थी, उसमें उन्होंने दिल्ली सरकार ने जो कहते हैं ना कि घी में आग में घी डालना, वो उन्होंने आग में घी डालने वाला काम कर दिया और जनता भोली भाली उनके बहकावे में आ गई। कि किसी एक्शन के रिएक्शन में जब चीजें आती हैं तो फिर टकराव होता है वहां पर, ये तो मानते हैं ना? बिल्कुल सही, किसी एक धर्म के लोग अगर दूसरे धर्म पर छींटाकशी करते हैं तो फिर सामने से लोग भी सामने आ जाते हैं। मेरा ये मानना है कि क्या जानबूझ करके काउंटर की स्थिति पैदा की जाती है सभी धर्मों की तरफ से, या उसका फायदा पार्टियां इसी बीच में उठा लेती हैं? बिल्कुल सही बात है अब्बार भाई, आप ठीक कह रहे हो। कुछ पार्टियों का तो अंदेशा ही ये है, ठीक है, कि जाति वगैरह भावनाओं को भड़काया जाए और अपना फायदा लिया, ठीक है। और ऐसे में विनोद सिंह साहब, जाहिर तौर पर देश में सबसे ज्यादा सत्ता में आप ही की पार्टी रही है और इसलिए बहुत ही स्वाभाविक है कि आप ही के पास राज के अंदर ज्यादा दंगे हुए हैं, वो उसको कोई नकार नहीं सकता। अब उसके लिए जिम्मेदार सरकारें कितनी रही, मैं उस बात का जिक्र नहीं कर रहा हूं। सवाल ये है कि इतने वर्षों तक, करीब 50-52 वर्षों तक आपकी पार्टी सत्ता में रही है, धर्म की वजह से दंगे ना हो, इस पर रोकने के लिए आपकी पार्टी ने क्या काम किया? देखिए जब्बार भाई, पहली बात तो अब इतनी सार्थक चर्चा चल रही है, हिंसा से हम सब लोग पीड़ित और भयभीत व्यथित हैं। अब अगर भारतीय जनता पार्टी इसी लबोलुआब पर आ गई है कि आज 6 साल में जो इन्होंने किया उनकी कारगुजारियों पर, उनके फेल्योर पर चर्चा ना हो, इतिहास में जाके अपना मुंह छुपाने का काम करेंगे और आज जो देश जल रहा है, दिल्ली जल रही है, उसको जस्टिफाई करेंगे। खैर ये इनका मत होगा, लेकिन मैं अब आता हूं, मैं थोड़ा सा यहां ऐड ऑन करना चाहूंगा, क्योंकि कैप्टन आय सिंह साहब ने ऐसा कोई कटाक्ष आपको लेकर आपकी पार्टी को लेकर नहीं किया, घर से उन्होंने इसलिए पार्टियां नहीं, अभी तक किसी का नाम नहीं लिया, थोड़ा सा कैप्टन, अभी तक पार्टियां का ये नाम नहीं लिया, अब मैं नाम लूंगा। विनोद सिंह साहब, मैं चाह रहा हूं कि हम लोग रोजाना इस टाइम पर चर्चा करते हैं, खूब ज्यादा चिल्लम चिल्ले करते हैं, आज थोड़ा सा, क्योंकि इस वक्त देश की जनता देख रही है, समझ रही है, क्योंकि इसमें मुस्लिम स्कॉलर, हिंदू स्कॉलर, इसमें क्रिश्चियन स्कॉलर, सिख स्कॉलर, सभी इसमें हमारे राजनीतिक विश्लेषक भी हैं, पत्रकार भी हैं, और आप लोग चूंकि प्रमुख पार्टियों से इसलिए आप लोग भी हैं।
थोड़ा सा जनता समझे, शायद एक बार वो अपने मन में रिकॉल करे चीजों को कि इसके पीछे की वजह क्या वाकई यही है और आगे किस तौर पर एक रोड मैप उसको मिल सकता है। इसीलिए मैं जवाब चाहता हूं विनोद सिंह साहब, मैं बता रहा हूं क्या इन तमाम चीजों के लिए पार्टियों को अपने स्तर पर आगे आकर के एक एग्जांपल एक नजीर सेट करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल अभी तक देखा यही जा रहा है हर पार्टी के पार्टियों हर नेतागणों को इसको देखने की संवेदनशील होने की जरूरत है और उनका प्रमुख मुख्य कर्तव्य ये होना चाहिए कि सामाजिक एकता कैसे बनी रहे। किसी भी धर्म में किसी भी वर्ग में जो अवांछनीय संदिग्ध और असामाजिक तत्व हैं उनको चिन्हित करके कार्रवाई करने की काउंसलिंग करने की जिम्मेदारी सरकारों की होती है, नेताओं की होती है। यहां दुर्भाग्य से माहौल क्या है, जब ये गोडसे को पूजने वाले लोग, जब गांधी के हत्यारे वाली विचारधारा की सरकार और डंके की चोट पर राजनीतिक फायदा लेने के लिए और एक बयान केवल कैप्टन साहब आप आपके चैनल से एक निवेदन करना चाहता हूँ, ना चाहते हुए भी अगर आपने ये डिबेट करनी, कम से कम मैं तो इस डिबेट में नहीं बैठूंगा। ठीक है, कारण क्या है कि दुनिया जिसके घर का चले गए हम उस पर नहीं जा रहे और ये आपस में छींटा किसी करे, कम से कम मैं जाहिर तौर पर ये उनको ये ऐसे लोग को खोया है उनके लिए और ज्यादा दर्द देने वाला है। जाहिर तौर पर मैं शुरू में इसलिए इस बात का जिक्र मैंने किया कि आज प्लीज फॉर गॉड सेक हम लोग ना चिल्लम चिल्ली करें, सिर्फ समझने और समझाने की कोशिश करें, क्योंकि ये डिबेट हमने जिन लोगों के लिए रखी है वो इस दिल्ली में है, नोएडा में है, देश के अलग अलग कोनों में है, विदेशों में बैठे हुए लोग इस डिबेट को देख रहे हैं, ताकि एक सार्थक मोरालिटी लेकर के एक सार्थक स्टेप अपने माइंड में रिकॉल करने की सोचे। शायद हमारी ये चर्चा, शायद हमारी ये डिबेट उनके दिमाग में एक नई लाइन दे कि आखिर ये दंगा होते क्यों हैं और इन दंगों को रोकने के लिए हम हर इंडिविजुअल अपने स्तर पर क्या कुछ कर सकता है। और ऐसी स्थिति में इन तमाम चीजों के बीच में जाहिर तौर पर पार्टियां एक दूसरे पर छिटाकशी करते हैं और मुझे उम्मीद है कि आगे अब जो वक्त आ रहा है अगला एक घंटे का उसमें हम छिटाकशी करने से बचेंगे। मगर ऐसे में मैं आपकी तरफ आना चाहता हूं जोसेफ मसीह साहब, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है जोसेफ मसीह साहब, आप सुन पा रहे जी? जोसेफ मसीह साहब, मैं आपकी तरफ आना चाह रहा हूं, आप हमारे साथ में स्टूडियो में नहीं, लखनऊ स्टूडियो से आप बैठे हुए हैं, इसलिए मैं शुरुआत अब यहां से निकल करके आपकी तरफ आना चाह रहा हूं, चाहे उत्तर प्रदेश हो, दिल्ली हो या फिर सभी दंगों का मैंने जिक्र किया। सवाल यह है कि इन दंगों को रोकने के लिए क्या जरूरत अभी तक महसूस नहीं की गई इन 70 वर्षों में कि एक ऐसी कमेटी बनाई जाए जिसमें सभी पार्टियों के लोग शामिल हो, एक ऐसी कमेटी हो जिसमें सभी धर्म के लोग शामिल हो, ताकि निष्कर्ष पे पहुंचे कि दंगों की वजह क्या है और आगे दंगा नहीं होने देंगे। क्या इसकी जरूरत महसूस नहीं की गई और धार्मिक गुरु होने के नाते क्या इस बात पर आप इस बात का समर्थन करते हैं और इसको लेकर के कैसे आगे काम होना चाहिए? जोरदार समर्थन करता हूं कि ऐसी कमेटी बननी चाहिए जिसमें सब पार्टी के लोग हों, सब धर्म के लोग हों और 21वीं सदी में जब दुनिया कहां से कहां जा रही है तो हम लोग यहां पे दंगे में फंसे हुए हैं, एक दूसरे को अपने दोस्तों को अपने पड़ोस में हम लोगों की हत्या कर रहे हैं, इंसान इंसान को मार रहा है, चाहे वो रतन लाल जी हो, चाहे वो अंकित शर्मा हो जो शहीद हुए हैं, और या मोइनुद्दीन की आज जो टाइम्स ऑफ इंडिया में मैंने देखा बड़ी दिल को चोट पहुंचाने वाली तस्वीरें हैं ये, जिस भी कारण से, और बहुत कहीं कहीं से बहुत अच्छी तस्वीरें भी सामने आई जहाँ पे हिंदू मुसलमानों को बचाए, तो मुसलमान हिंदुओं को बचाए, ऐसा ही हम लोगों को ऐसा ये देश बनना चाहिए और ऐसी एक कमेटी बननी चाहिए और जरूर से, और दंगों के लिए पूरे विश्व में, भारत में नहीं पूरे विश्व में कोई जगह नहीं होनी चाहिए। जाहिर तौर पर किसी को कैसे कोई जाहिर तौर पर और इसीलिए
चाकू से काट सकता है। और इसीलिए हम इस वजह के पीछे की वजह को तलाशने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ऐसी पहल अभी तक 71 वर्षों में क्यों नहीं की गई। मैं जाऊंगा, डॉक्टर सुनील कौशिक साहब हमारे साथ में हैं, लेकिन उससे पहले मैं इंद्रजीत सिंह जी आपकी तरफ आना चाहता हूं कि सभी धार्मिक लोगों ने, समुदाय के लोगों ने इस दंश को झेला है, किसी ने कम झेला, किसी ने ज्यादा झेला, बहुसंख्यक भले हिंदू समाज है लेकिन उसने भी झेला है, बहुत झेला है। ऐसी स्थिति में ये जो दंगा रोकने के लिए गर्चे हमारी पुलिस में, हमारे दूसरे एजेंसीज में ऐसी टीमें बनाई जाती हैं, मगर एक बड़े स्तर पर धार्मिक मान्यताओं के आधार पर धर्म से जुड़े हुए लोग उसमें हो, पार्टियों से जुड़े हुए लोग उसमें हो, इस किस्म की शुरुआत पार्टियां या सरकारें करना ही नहीं चाहती हैं, या जानबूझ करके दंगा वक्तन फोक्तन वही कराना चाहती हैं ताकि उनका फायदा हासिल होता रहे। देखिए, बात यह है कि जब तक जनता अवेयर नहीं होगी, वोटर अवेयर नहीं होगा, ये राजनीतिक पार्टियां इसी तरीके से हमको टूल बना के यूज करती रहेंगी। जनता को अवेयर होना पड़ेगा कि ये हमारे साथ क्यों हो रहा है। देखो, ना हिंदू मरा ना मुसलमान मरा, दिल्ली में इंसानियत मरी है, इंसानियत खत्म हुई है। आप उसके घर से पूछिए, देखिए बात क्या है, अगर हमारे, मैं वेंटिलेटर पर पड़ा हूँ और मैं पैसे वाला व्यक्ति हूँ और मैं डॉक्टर से कहूँ, डॉक्टर के लिए एक घंटे का आपका या आधे घंटे के बाद अगर ये बचेंगे तो ठीक है, नहीं तो मैं इनको नहीं बचा पाऊँगा, और मेरे परिवार वाला या मेरे दूसरे कोई ऐसा भाई वो कहे यार 10 करोड़ ले ले, इसको एक घंटा जितवा दे, इसने मुझे बताना है बाजार में क्या लेना है क्या देना है, शायद वो 10 करोड़ अरब भी उसके काम नहीं आ पाएंगे। श्वासें जो मिली हैं वो निश्चित हैं, और हम लोग जो इसका जो मल्लम लगा के एक मुआवजे की घोषणा करके हम ये सोचते हैं कि हमने मुआवजा दे दिया, मुआवजा सबसे पहले मेरी अपनी जो बात है, कुछ चीज़ें में सुधार लाना पड़ेगा। आप जिसके परिवार के साथ हादसा हुआ है, आप उसको नौकरी दो, उसकी रोजी रोजगार का जरिया बनाओ, या उसके परिवार में अगर रोजी रोजगार करने वाला नहीं है, नौकरी करने वाला नहीं है, तब आप पैसों की तरफ जाओ। आप 10 लाख 5 लाख दे के, आप 1 करोड़ रुपये दे के आप उसकी कीमत लगा रहे हो, इन चीजों पर रोक लगनी चाहिए। ये बहुत, यानी कि आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि मानसिकता बदलने की जरूरत है। जब तक आप ये नहीं बदलेंगे जी, ये दंगे नहीं, लोगों के जहन में, दिलों दिमाग में जहर, जहर धर्म के आधार पर उसका उसका जो नेगेटिव पक्ष है जिसके आधार पर बुराई या दंगा करने का, उस जहर को नहीं निकाला जाएगा तब तक ये चीजें होती रहेगी, क्योंकि सिर्फ मुआवजा देने से किसी की जिंदगी, आप प्रैक्टिकल नीचे जमीन से अगर नींव नहीं बनाएंगे तो बिल्डिंग नहीं खड़ी हो पाएगी, ढूंढना होगा। और ऐसे में मैं यति चेतनानंद सरस्वती जी, अलग अलग दंगों में, अलग अलग शहरों के दंगों में ये बातें कभी ना कभी निकल करके सामने आती हैं कि कैसे कैसे, चाहे भले देर से आए, किस किस धर्म के लोगों ने कैसे कैसे लोगों को, अपने अपने धर्म के लोगों को भड़का करके या दूसरे का डर दिखा करके किस तौर पर यह दंगा कराया है। ये जो मानसिकता है, ये कहां से मानसिकता उनके दिमाग में उपजती है, किस तौर पर वो इतना उग्र हो जाते हैं कि कानून का खौफ नहीं रह जाता, किसी भी धर्म के लोग क्यों ना हो, जिसमें मुस्लिम समुदाय के लोग भी आगे आगे हैं, जिसमें सभी समुदाय के लोग आगे आगे हैं, ये जो मानसिकता डेवलप होती है, इस मानसिकता को रोकथाम के लिए वक्त नहीं है कि अब सुधर जाए लोग? देखिए जब्बार जी, ये बहुत कहने सुनने में ये बातें बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन बहुत जिम्मेदारी से मैं ये बात कहना चाहती हूँ कि जब हिंसा होती है तो ये हिंसा सभी को द्रवित करती है, इसमें सबका रक्त बराबर बहता है, लेकिन देश का बंटवारा जिस दिन हुआ, उस दिन धर्म के आधार पर जब हमने इस देश के बंटवारे को स्वीकार कर लिया, उसी दिन से इस देश में दंगों की नींव रखी गई। और जब तक जिस तरीके की तैयारी हम लोगों ने देखी है, आप देखिए रिक्शा जो थी उन पे गुलेल बनाई गई, पूरा जखीरा है पेट्रोल बम और एसिड का, सेना के जवानों को और पुलिस के अधिकारियों को भी नहीं छोड़ा गया। तो आप ये बताइए कि जब मौलाना तकरीर कर रहे थे, देखिए जब्बार जी जिम्मेदारी तो लेनी पड़ेगी, देखिए जब्बार जी शाहीन बाग में जब चिकन नेक को तोड़कर अलग करने की बात कही जा रही थी, उस समय ही जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी। बार बार बोला ना सवाल थोड़ा हटके, बहन जी बहन जी आपको ये नहीं लगता कि, एक मिनट बहन जी एक मिनट, मैं आपकी बात को मानता हूँ, लेकिन आपको ये नहीं लगता कि हमारा ये जो तंत्र है जिसको आप बोलते हो जो इन्वेस्टिगेशन, ये इंटेलिजेंट, क्या हमारा वो फेलियर नहीं है? आप नहीं, 100% फेलियर है, 100%। देखिए मैं सहमत हूँ, 100% फेलियर है, क्योंकि इनपुट्स थे, और अंकित को जिस तरीके से मारा गया है उससे ये बहुत स्पष्ट हो जाता है। आज डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने बहुत स्पष्ट कहा है कि कुछ इनपुट्स थे अंकित के पास, जो इनपुट्स आगे जाने की संभावना थी, इसलिए इतनी
बहन जी, एक तरफ अंकित मरा है, एक तरफ मोहम्मद अनीस मरा है, हम उसमें जाना नहीं चाह रहे, हमने बात ही नहीं करनी है तो चर्चा नहीं हो पाएगी ना। अगर आप इस बात पर नहीं, नहीं, नहीं सब यतीन चेतनानंद जी, यतीन चेतनानंद एक सेकंड थोड़ा थोड़ा सवाल जवाब कर लेते हैं जी। बहन जी मुझे एक बात, बहन जी मैं एक छोटा सा बहुत निवेदन से पूछना, क्या हम में से इस पैनल में बैठा हुआ एक भी आदमी अनभिज्ञ था कि दिल्ली दस्तक दे रही है? दिल्ली लगातार दंगों की दस्तक दे रही थी। मैं आपकी सारी बहन जी, मैं पॉलिटिकल पार्टी सचेत हुई और ना इंटेलिजेंट। आप उसी बिंदु पर आ गए, ठीक है, आपकी सारी बातों से सहमत हूँ। क्या मैं ये कह रहा हूँ, आपने 370 जम्मू कश्मीर में हटाई, आपने बड़े बड़े नेता पूर्व मुख्यमंत्री कैबिनेट मंत्री को आपने नजर बंद करा। एक मिनट बहन जी, मेरी बात, देखिए गलत दिशा में जा रहे हैं, गलत दिशा में। यतीश चेतनानंद जी मुझे सुनिए ना आप, प्लीज मेरी तरफ देखिए। यतीश चेतनानंद जी डिबेट मैं करा रहा हूँ, एक सेकंड सुनिए, आप सुनिए तो सही, आप सवाल तो ले लीजिए। इसीलिए मैं कह रहा हूं किसी स्पेसिफिक किसी ऐसी चीज की तरफ, एक सेकंड मैडम, सवाल तो सुनिए मैडम। रोजाना कितराज की डिबेट नहीं है, यतीश चेतनानंद रोजाना कितराज की ये डिबेट नहीं है, और बीच में किसी के बीच में कोई ना बोले मैं कहूंगा। मैं आपकी तरफ आऊंगा विनोद जी, मेरा सवाल ये कि आपने चलो हम दिल्ली दंगे का रेफरेंस ले लेते हैं, ताहिर का रेफरेंस लेते हैं, जिस तरीके से पेट्रोल बम, जिस तरीके से गुलेल, जिस तरीके से पत्थर, जिस तरीके से लाठी डंडे सब कुछ वहां पर मिले, ये जो मानसिकता डेवलप हुई कि जिस मानसिकता के तहत ये सारी चीजें वहां पर इकट्ठा की गई, हालांकि अब वो पुलिस उस जांच के बाद में सारी चीजें उसके तहत खोले उसकी परतें खोलेगी, उस मानसिकता को तोड़ने के लिए किस तौर पर आगे बढ़ना चाहिए? ये थी चेतनानंद जी, देखिए ये तो मौलाना बता सकते हैं, उधर रागनी तिवारी का भी एक वीडियो सामने आ रहा है, उधर अमानतुल्ला खान है, तो इधर कपिल मिश्रा का वीडियो सामने है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ताहिर हुसैन को किसने संरक्षण दिया, ठीक है, चलिए चलिए। मैं एक कमेंट चूंकि आपने जिक्र किया, मैं डॉक्टर सुनील कौशिक साहब की तरफ आऊंगा, मगर ये जो आंकड़े आपकी स्क्रीन पर इस वक्त देख रहे हैं, ये एनडीए के कार्यकाल में जो दंगे हुए, यूपीए के कार्यकाल में जो दंगे हुए, हमारी रिसर्च टीम ने इसे पूरा निकाला एक एक करके, जो कि गृह मंत्रालय के जरिए जो आंकड़े पेश किए गए या एनसीआरबी के थ्रू जो आंकड़े पेश किए गए, मगर इन तमाम चीजों के बीच में मैं आपकी तरफ, मौलाना साजिद रशीदी साहब मैं आपकी तरफ आना चाह रहा हूं, ये जो एक ऐसी स्थिति बन चुकी है देश के अंदर, बनी नहीं है बल्कि इस मानसिकता को बहुत सारे लोग मानते हैं कि इस बीज को अंग्रेज ही बोकर के चले गए थे, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि इस बीज की शुरुआत उस वक्त हो गई थी जबकि भारत पर आक्रमणकारियों ने हमला करके यहां पर एक वर्चस्व अपना बनाया था, वजह जो भी हो, लेकिन इस मानसिकता को तोड़ने के लिए आम शख्स आम लोगों के जहन से किस किस्म का कंट्रीब्यूशन आप लोग देना चाहते हैं, मुस्लिम स्कॉलर देना चाहता है या क्या सोचता है? नहीं, जब्बार भाई आपने एक बहुत अच्छी बात कही है कि अंग्रेजी वक्त में जब अंग्रेज यहाँ काबिज था और देश के हिंदू मुसलमान सिखों ने सबने मिलकर उसको भगाया, तो उसने एक ऐसा बीज बो दिया नफरत का हमारे अंदर, एक ऐसी हिस्ट्री क्रिएट कर दी हमारे दरमियान में कि जब हम उसको पढ़ते हैं तो उस हिस्ट्री की वजह से कहीं ना कहीं हिंदू मुसलमान के मुसलमान हिंदू के खिलाफ जाता है। उसने बहुत सारी चीजें हिस्ट्री में ऐसी डाल दी हैं जो जिनका कोई आधार नहीं है। दूसरी बात, यतीमानंद सरस्वती ने एक बहुत अच्छी बात कही कि साहब जिस वक्त अच्छा देश का जी, चाहे वो इस्लाम के नाम पर हुआ या मुसलमान के नाम पर हुआ, मैं भी उसको दुर्भाग्यपूर्ण मानता हूं, मैं भी उसको बुरा मानता हूं, लेकिन ये बंटवारा नहीं हुआ, ये बंटवारा बाकायदा किया गया और 100 साल आगे ये सोचकर किया गया, जिसके बीच में कहीं ना कहीं लालच था दोनों तरफ से, इधर भी राजनेताओं का लालच था, उधर भी राजनेताओं का लालच था। उसके बाद में जो हमारी पार्टी सत्ता में रही, कांग्रेस पार्टी, ज्यादा टाइम उसी ने बिताया है सत्ता में। अब आप देखिए, जो आदमी हमसे पहला हमें एक लाइन देकर जाएगा, दूसरा आने वाला उसी लाइन पर चलेगा। कांग्रेस के टाइम में 55,000 फसाद हुए, करीब 1500 कमीशन बने,
उनकी सारी रिपोर्ट्स आई लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट भी आई लेकिन कोई कार्रवाई किसी तरह की नहीं हुई। अब हमारी जो तत्काल पार्टी है जो 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 सत्ता में है लोग बीजेपी के लोग, इनका तो देखिए मैं कटाक्ष नहीं करना चाहता लेकिन सच्चाई ये है कि जिस पार्टी की बुनियाद ही धर्म पर हो तो कहीं ना कहीं धार्मिक उन्माद। मगर ये तो पर्सपेक्टिव है ना, ये तो नजरिया है मौलाना साजिद रशीदी साहब। एक सेकंड, मैं काउंटर क्वेश्चन ले रहा हूँ आज प्लीज। मौलाना साजिद रशीद साहब, आप जिस बात का जिक्र कर रहे हैं कि जिस पार्टी की बुनियाद ही धर्म के आधार पर और धर्म के जहर के आधार पर हो, इसका अपना अपना नरेशन है, नैरेटिव है। जाहिर तौर पर मैं आज उस बहस में नहीं जाना चाहता हूं। मैं ये कह रहा हूं कि आपने कांग्रेस पार्टी की आज आप को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, मगर आप लोग जब चुनाव का वक्त आता है मुस्लिम समुदाय पर यही आरोप लगता है कि बीजेपी के बजाय वो कांग्रेस को प्रेफर करती है। और आपसे मेरा यह सीधा सवाल है, क्या इन 70 वर्षों में कांग्रेस से सवाल नहीं होना चाहिए था कि चूंकि मुस्लिम समुदाय यहां पर माइनॉरिटी अल्पसंख्यक है कि साहब हमारी रक्षा सुरक्षा के लिए, क्योंकि आपको लगता है कि दंगे में सबसे ज्यादा मुसलमान मारा जाता है, तो फिर ये दंगे हो ही ना, ऐसे के लिए इसके लिए कोई कदम उठाए जाने की जरूरत है। मुस्लिम समुदाय ने कांग्रेस से इस पर पहल करने के लिए कितनी कोशिश की? देखिए जब्बार भाई, एक चीज मैं आपको बता दूं, ये सच्चाई है कि कांग्रेस से सवाल नहीं किया गया। और कांग्रेस की जब हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हमें जो है फिर हमारे पास कोई उसका अल्टरनेट नहीं है। कांग्रेस मजबूरी है हमारी, क्योंकि बीजेपी तो हमसे वोट भी नहीं लेना चाहती, बीजेपी हमें टिकट भी नहीं देना चाहती। बीजेपी तो साफ कहती है कि हमें मुसलमान का वोट नहीं चाहिए, मुसलमान का ठीक है। तो आप ये मानते हैं कि दंगा रोकने के लिए आप लोगों की तरफ से भी कोई पहल एक पार्टी के पास में जो सत्ता में रही है उसके पास में कोई बात रखी नहीं? बात तो होने ठीक, एक सवाल पूरा नहीं होता, दूसरा सवाल आप सर जल्दी से मुझे ठीक है जल्दी से सर, अभी को सबसे ज्यादा वक्त दिया मैंने। देखिए अगर बीजेपी सच्चे दिल से मुसलमानों को गले लगाना चाहे तो मुसलमान के पास ऑप्शन है। बीजेपी ऐसी बात नहीं है कि ऑप्शन नहीं है, और मुसलमान के लिए बीजेपी अछूत भी नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि बीजेपी लगाना तो चाहे, बीजेपी ये सोचती है कि अगर हमने मुसलमान को गले लगा लिया तो कहीं ऐसा ना हो हमारा हिंदू वोट चला जाए। चलिए ठीक है, हम इस पहलू और इस नजरिए पर किसी और दिन चर्चा करेंगे। ठीक है कांग्रेस हमें ठीक है। मौलाना साजिद रशीदी साहब, मैं आ रहा हूं आपकी तरफ। डॉक्टर सुनील कौशिक साहब, कांग्रेस आपको सूट करती है? ठीक है यति चेतन जी, आज नहीं। डॉक्टर सुनील कौशिक साहब, सभी पार्टियों के और सभी पक्षों के सभी धर्मों की राय यहां पर सामने आई, और इसीलिए मैं बार बार ये आग्रह सबसे करता रहा हूं कि आज थोड़ा सा, क्योंकि जो लोग देख रहे हैं शायद आपकी कोई बात उनके दिल को छू जाए, शायद वो अपने आप को रिकॉल करें, शायद अपने थॉट प्रोसेस में जाएं और सोचें कि वाकई अगर इसी दंगे को देखा जाए, दिल्ली के दंगे को, 10 साल 15 साल सारे के सारे लोग पीछे चले गए जो कि अफेक्टेड हैं, उनका सब कुछ चौपट हो गया, जाने गई दुकान माल जान सबका नुकसान हुआ जी। और ऐसे में डॉक्टर सुनील कौशिक साहब, क्या उसकी वजह को ही अगर खत्म कर दिया जाए ताकि आगे दंगा ही ना हो, इस पर पॉलिटिकल पार्टियां जानबूझ करके बात ही नहीं करती हैं, सरकारें जानबूझ करके इसके लिए काम ही नहीं करती हैं, क्या यह इंटेंशनली है या अभी तक ऐसी पहल उनके दिमाग में आई नहीं और किसी ने उठाई नहीं? देखो जिस देश में जाति और धर्म के आधार पर पोस्टिंग होती हो, जिस जाति धर्म के आधार पर आयोग बने हो, जिस जाति धर्म के आधार पर मंत्रिमंडल में स्थान मिलता हो, जिस जाति धर्म के आधार पर रिटायरमेंट हो जाने के बाद ब्यूरोक्रेसी या न्यायालय में पद बढ़ते हों, तो उस देश में ये चीज़ें होती रहेंगी, इन्हें कोई नहीं रोक सकता। और राजनीतिक जो पार्टियाँ हैं, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो न्यायालय हो, उनसे संबंधित जो भी लोग होते हैं वो जब अपने अपनी पोस्टों पर होते हैं, ये दिखाने का प्रयास राजनीतिक दलों को करते हैं कि हमने आपके विचारधारा के साथ ही हमने रहते हुए काम किया। और ये आईपीएस बैठे हुए हैं ये स्वीकार करेंगे, तमाम मैंने आंखों से देखा है दंगों के समय पे। बहुत खतरनाक बात है जिसका आप यहाँ पर बिल्कुल कर रहे हैं। बिल्कुल यही बात है। जो हमारी एजेंसीज होती हैं प्रशासनिक स्तर पर, पुलिसिया स्तर पर, वो उस पार्टी की विचारधारा के हिसाब से काम करती है, तो फिर दंगे में तो एक बड़ा रोल फिर ऐसे एजेंसियों का भी हो जाएगा। छोटा सा एग्जांपल देख रहा हूं, या डीजीपी, प्रमुख सचिव गृह या चीफ सेक्रेटरी जैसी नियुक्ति या पुलिस कमिश्नर जैसी नियुक्ति राजनीतिक स्तर से, और वो व्यक्तियों को ढूंढा जाए कि जो हमारी विचारधारा के हिसाब से काम करे, तो वो कैसे पॉसिबल होगा दंगों को रोकने के लिए?
दूसरा, जब 92 के मैं एग्जांपल बता रहा हूं आपको, जब 92 में दंगे हुए तो तमाम कप्तानों से उस समय बात हुई, तो मुस्लिम क्षेत्र के जो इंस्पेक्टर थे वो मुस्लिम तलाशे गए, और जहां मुस्लिम बाहुल क्षेत्र होता है वहां हिंदू को चार्ज नहीं दिया जाता, और हिंदू को चार्ज दे भी दिया जाए तो वो बहुत दिनों तक टिक नहीं पाता है। ऐसे हिंदू क्षेत्र में जहां मुस्लिम को चार्ज दे दिया जाए वो भी बहुत दिनों तक टिक नहीं पाता। ये सब चीजें देखनी पड़ेगी। मैं समाना साहब से सब समझूंगा, लेकिन डॉक्टर कौशिक साहब, इसके पीछे की क्या मतलब वजह क्या है कि मुस्लिम बाहुल इलाके में हिंदू अगर कोई इंस्पेक्टर जाएगा तो फिर वो चीजों को संभाल नहीं पाएगा, और या इसके पीछे की वजह क्या देखते हैं? मैं बताऊं, मैं बिल्कुल वही कह रहा हूं कि जो समुदाय, जिस समुदाय का वो नेतृत्व कर रहा होता है, जिस क्षेत्र का वो इंचार्ज होता है, वो जनता उसी व्यक्ति को मानती है। और आपने तमाम सीए के, अभी मैं बहुत पुरानी बात, 92 छोड़िए, सीए के आंदोलन में क्या हुआ कि मुस्लिम अधिकारी ने जाके अपील की, मुस्लिम अधिकारियों ने जाके समझाया उनको कि इनमें से रहीम, इनमें से शहीद है आप ही लोगों में से, कोई नहीं जाएगा, तो शांत हुए दंगे के नहीं हुए। और हिंदू लोगों ने या जो अधिकारी हैं उन्होंने समझाया, बात नहीं मानी गई, पत्थरबाजी हुई। और ऐसे ही हिंदू क्षेत्र में आप देखिए 92 के दंगों में आप देखिए कि एक मेरे सामने घटना हुई जहां हिंदू को कुचल के मारा गया, लेकिन वहां क्षेत्र कौन था, इंचार्ज मुस्लिम था, वहां से हटाया गया रातों रात और इसको हिंदू बनाया गया। हिंदू ने जाकर के शांति कमेटी की मीटिंग की और उनको शांति करने का प्रयास किया। तो जब विचारधारा उन लोगों के साथ जनता की भी मिल जाए और पोस्टिंग भी ऐसी होने लगे जो सरकार चाहे, और दिक्कत आप देखिए कि तमाम रिटायरमेंट के बाद चाहे आईएएस हो, चाहे आईपीएस हो, चाहे न्यायालय से संबंधित लोग रहे हो, चाहे मीडिया के लोग रहे हो, वो एक एज के बाद वो भी राजनीतिक दलों की तरफ कूच करते हैं, राजनीतिक विचारधाराओं के साथ वो जाके मिलते हैं। तो आप सोचिए, तमाम मीडिया वालों पे आरोप लगे, ऐसा तो नहीं है कि आपने किस विचारधारा के साथ लेख लिखे। इसका इन दंगों का मकड़जाल हर तरह से, हर तरफ अपने अपने पंजे घड़ाए हुए हैं, इसके लिए बहुत सारी चीजों की सफाई जरूरी है, सुधार की जरूरत। इसका मतलब है कि डेमोक्रेसी सिर्फ कागजों पर हम सिर्फ दिखावे के लिए करते हैं। बता रहा हूँ, हमारे जब शुरू में देश आजाद हुआ, एक आया का मानवाधिकार आयोग बनेगा और उसमें सारे लोगों का संरक्षण उसमें था, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे महिला हो, कोई भी धर्म का हो, ईसाई हो। फिर क्या हुआ बाद में, महिला आयोग अलग बना दिया गया, एससी आयोग अलग, एसटी आयोग अलग, ओबीसी आयोग अलग, अल्पसंख्यक आयोग अलग। अब भिड़ते रहिए आप क्या करेंगे? और जो उनके संरक्षक हैं या जो राजनीतिक दलों के जो आका हैं वो उसी हिसाब से एक्शन लेते हैं, तो आप दंगे रुकेंगे कैसे? ठीक है। और मगर आपने जी सवाना साहब, आप चूंकि अभी डॉक्टर सुनील कौशिक साहब ने कहा कि एक बहुत महत्वपूर्ण बात, और अगर वो है तो बहुत डेंजरस, कि हमारी जो एजेंसीज हैं, चाहे पुलिस हो या दूसरे विभाग हो, कई बार अक्सर और बेशतर जिस विचारधारा की पार्टी होती है, जिस नजरिए से इस पार्टी को लोग देख पाते हैं, उसी हिसाब से अपने एक्शन में भी वो फ्लेक्सिबिलिटी वो एजेंसी ले आती है। तो फिर इस हिसाब से तो पर ये तो बहुत डेंजरस है, क्या वाकई ये चीज एग्जिस्ट करती है? देखिए, एक तो मैं बात ये स्पष्ट करना चाहता हूँ कि पुलिस ऑफिसर कोई ऊपर से नहीं आता है, वो भी इसी समाज का एक हिस्सा है, एक हिस्सा प्रभावित होता है चीजों से जी। और समाज का कोई भी वर्ग हो, कोई भी फील्ड हो, उसमें उसका असर पड़ता है, इसको सभी लोग जानते हैं। दूसरी बात मैं ये कहता हूँ कि मुझे तो दिल्ली का अनुभव है, प्रदेश का नहीं पता, पर दिल्ली में जो चीज़ें बताई इन्होंने उतनी उस तरह की ग्रेविटी नहीं है। और ये बात भी सही है कि जब ये समझाने के लिए भेजते हैं तो उस पुलिस ऑफिसर को भेजेंगे कि जो उसी के धर्म का है, क्योंकि दूसरे धर्म का जो आदमी भेजा जाएगा उसकी वो बात नहीं सुनते। अमाना साहब, क्या सिर्फ धर्म ही नहीं बल्कि अपने फेवरेट पुलिस ऑफिसर को या ऐसे अधिकारियों को वहां लगाया जाता है कि जो उनके हिसाब से काम करे। कई बार एक ही धर्म से होने के बावजूद भी किसी को हटा करके दूसरे को लाया जाता है, क्योंकि इस किस्म के आरोप लगते रहे। देखिए, जो आप बात कह रहे हैं स्टेट के संबंध में काफी हद तक ठीक है। मैंने ये देखा है कि तीन तीन चार 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 महीने में कप्तान को बदल दिया जाता है जी, उसको पूरा टेन्योर करने नहीं दिया जाता जब तक वो समझता है इलाके को, प्रॉब्लम को समझता है, जब तक उसको वहां से दफा कर दिया जाता है। एक उसके पक्ष में होता है, दूसरा उसके विपक्ष में होता है, और इस खींचतान में पुलिस ऑफिसर अपना जो है सब कुछ कई बार लुटा के बैठ जाता है, बिना बात के घर चला जाता है, इंक्वायरी होती है, मुकदमे दर्ज होते हैं, पीछे कोई पूछने वाला नहीं होता। और दंगे हुए, दंगे में भी पुलिस अफसर पहले मरने वाला है,
चाहे कुछ भी है। तो कुल मिला के क्योंकि एक चीज में और क्योंकि कई बार ऐसा देखने को मिला, सभी पार्टियों की जब सरकारें होती हैं उसमें कोई अधिकारी किसी भी विभाग का हो जब सरकार के अनुकूल काम नहीं करता है तो फिर उसके रिटायर होने के बाद में या उसको हटाए जाने के बाद में उसे बेवजह एजेंसीज के जरिए परेशान किया जाता है। थोड़ा सा मैं रोकूंगा, वो चाहे अलग अलग एजेंसी हो, जिस मानसिकता के लोग हैं, जिस पार्टी की सत्ता होती है उस पार्टी के विचारधारा के तहत तो सरकार को अधिकारियों को काम करना ही पड़ेगा कि जिस विचारधारा के साथ वो लेकिन आई है। वो विचारधारा लोगों में लिमिट क्रॉस करके पैदा करने की लिमिट क्रॉस करके मैं कह रहा हूं, मैंने कम से कम दर्जनों ऐसे नजारे आंखों से देखे हैं जो कप्तानों को गालियां दे रहे हैं और नेता बोलते हैं वो अपशब्द मैं यूज नहीं कर सकता कि तुमको इसलिए कप्तान बना के वहां भेजा था। तो ये जब स्थिति पैदा हो जाए या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को वो गालियां दी जाती है, उसका उदाहरण मैं वही कह रहा हूं। तो जब जिन के कंधों पर देश को चलाने का भार हो, जिस पर सारी जनता विश्वास करती हो, या तो वो लोग ही धराशायी हो जाए राजनीतिक लोगों द्वारा, तो मुझे नहीं लगता कि दंगे रुक सकते। तो फिर ऐसी स्थिति में हम लोग क्या है, कोई सी भी पॉलिटिकल पार्टी हो, मैं आ रहा हूं साजिश सवार, मैं किसी पे आक्षेप नहीं लगा रहा, मैं एक जनरल, क्योंकि आप चर्चा कर रहे हो, मैं कह रहा हूं जो दो दिन का इंतजार करा गया, सम्मानित ट्रंप साहब हमारे इंडिया में आए हुए थे, ठीक है, उनका स्वागत था, क्या आपके पास फोर्स कम थी, आपके अर्जोनिंग साथ में हरियाणा था, हमारा यूपी था, यूपी में आपकी सरकार है, आपको फोर्स मंगा लेनी चाहिए थी, ये क्यों दो दिन इंतजार करा गया, ये सब चीजें बिल्कुल ये कतई फोर्स लगा हुआ था, जितना फोर्स को ये नहीं जानकारी थी कि इस तरह से घटना हो सकती है, ठीक है, ये प्री प्लान था, ट्रंप साहब के आने पे ही दंगा, नहीं ट्रंप साहब के आने पे ही दंगा क्यों किया इन्होंने, ठीक है, इसका कारण क्यों है, मैं आपका सवाल थोड़े से उसको बदले हुए अंदाज में ले जा रहा हूँ जय सवाना साहब, नहीं दंगा ट्रंप के आने पे ही क्यों हुआ, दो दिन पहले क्यों नहीं हुआ, ठीक है, ठीक है, एक सेकंड, ये प्री प्लान थी, ठीक है, विनोद जी मैं आपकी तरफ भी आऊंगा, बीजेपी के प्रवक्ता को मौका मिला आपकी तरफ भी आऊंगा, बैलेंस करूंगा, लेकिन ट्रंप का, ठीक है सर, बहुत अच्छा स्वागत हुआ है, मोदी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है, इनके अच्छे संबंध बने हैं, तो सरकार ये जो विपक्ष नहीं चाह रहा था तो आप इसको गलत रास्ते पर ना ले जाएं, ठीक है, दो व्यवस्था नहीं करेगी, व्यवस्था पूरी, ठीक है सर, ठीक है, मगर ये जानकारी नहीं थी, ये पक्ष इस तरह से तैयार बैठा है कि दिल्ली को जलाना, गलती मानेंगे नहीं, एक सेकंड, ठीक है, नहीं गलती कहां है आप बताइए ना, कैपिटलाइजिंग साहब, एक सेकंड सर, दिल्ली को ये मालूम था ये बम लेके बैठे हैं, ये यहां दिल्ली को जलाना चाहते हैं या नरसंहार करना चाहते हैं, क्या ये इनको जानकारी नहीं, अच्छा एक सेकंड कैपिटल सिंह, पुलिस के पास तमाम जांच एजेंसियां, कैसी बातें कर रहे हैं, ये बचकानी बातें, बचकानी बातें, मैं जी सवाना साहब की तरफ आ रहा हूं, एक सेकंड, सभी को रोकना चाहूंगा, जी सवाना साहब, जो इंद्रजीत जी ने जिस बात जो शंका या जिस चिंता को जाहिर किया है कि या तो इंटेलिजेंस फेलियर है या तो इंटेलिजेंस फेलियर नहीं है, अगर फेलियर नहीं है तो क्या पुलिस को इस बात की आशंका या जानकारी नहीं थी, अगर थी तो वहां पर सुरक्षा बलों को और ज्यादा बढ़ाया क्यों नहीं गया, अगर ऐसी स्थिति पैदा होने की शंका थी तो वहां पर पहले से ही कर्फ्यू क्यों नहीं लगा दिया गया जो कर्फ्यू बाद में लगाना पड़ा, ये एक सवाल तो लोगों ने, नेताओं को नजरबंद क्यों नहीं कराया, मेरी बात सुन लीजिए, ऐसे है कि एक तो टेंशन, ये कोई ऐसा हादसा नहीं था कि जो तुरंत हुआ, ये बिल्डअप होता है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, जी जी बहुत समय लगता है, थोड़ा थोड़ा होते होते लोगों होते, होते, के ब्लास्ट होता, हाँ, लोगों के दिल में मैल आना शुरू होता है और उसका बहुत लंबा पीरियड होता है। दूसरी बात, जो इसमें मटेरियल इस्तेमाल किया गया वो मटेरियल था जो लोकली अवेलेबल था, जिसको आम आदमी इस्तेमाल करता है, उस आम मटेरियल को, उस सामग्री को इस्तेमाल करके बम बनाए गए और दूसरी चीजें बनाई गई। तीसरी बात कि हर जगह हर वक्त इतनी फोर्स नहीं लगाई जा सकती जितनी अब नॉर्थ ईस्ट में लगी हुई है, जितनी फोर्स थी, और एक और मैं बात बताऊं, नहीं मेरी आप जब्बार भाई बात सुनिए सर, एक सेकंड, जो चिंता बताई है, जो चिंता सबसे पहले उस पर स्पेसिफिक जवाब नहीं आया, एक सेकंड सर, बीजेपी सबसे पहले घायल हुआ है, सबसे पहले सर, सबका कंसर्न और फ्रंट से हुआ है, सबका कंसर्न उस पर है, एक मारा गया है, कैप्टन साहब ये कैसे कह सकते हैं कि फोर्स नहीं थी, कैप्टन साहब 10 कंपनियां एक्स्ट्रा 10 कंपनियां दिल्ली में उस टाइम जो है ना डिप्लॉय हुई थी ट्रंप साहब का जो है ना दौरे की वजह से, तो आप ये नहीं कह सकते कि फोर्स कम था, फोर्स को दिल्ली में इतना था बहुत ज्यादा, ठीक है सर, जो प्लानिंग कर रखी थी बहुत, ऐसे क्या कर मत बोलिए, एक सेकंड, मैं यथी चेतन सरस्वती जी आपकी तरफ आऊं और विनोद जिंगी मैं आपकी तरफ आता हूं, मगर बहुत देर से हाथ उठाए हुए मौलाना साजिद रशीदी साहब, रशीदी साहब जी अपनी बात रखिए,
देखिए मैं एक बात कहना चाहता हूं जब्बार भाई, अभी बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा कि साहब आर्मी को यह पता नहीं था या पुलिस फोर्स को यह पता नहीं था कि ऐसा हो सकता है। दो चीजें हैं, या तो आपको पता था, पता होने के बाद ऐसा हुआ तो भी आपका फेलियर है, या आपको पता नहीं था, अगर पता नहीं वो भी फेलियर है, वो भी आपका फेलियर है, अगर देखने जाएगी तो आप पुलिस के ऊपर भी प्रश्न लगाएंगे, अगर पुलिस पे भी दबाव करेंगे कि हमारे घर पे प्रश्न लगाएंगे, आप ये भी जाके पुलिस पे प्रश्न लगाएंगे कि पुलिस हमारे ऊपर निगाह रख रही है। ठीक है, एक सेकंड सर, उनकी बात आ जाने दीजिए, इसके बाद मैं काउंटर लूंगा। हर आदमी के बीच में बोलेंगे तो कैसा होगा? ठीक है सर, जल्दी से बात पूरी कीजिए। देखिए दूसरी एक चीज मैं आपको बता दूं, ये दंगा हुआ नहीं है और दंगे कभी भी होते नहीं, दंगे कराए जाते हैं। ठीक है सर, संयोजित होते हैं। ठीक है सर, आपकी बात हो गई। और ठीक है बहुत सारी ऐसी वीडियोस हैं जिनमें बाकायदा पुलिस भी दंगाइयों के साथ पत्थर मार रही है, सब जांच के दायरे में है सर, सर जांच के दायरे में है, सब जांच के दायरे में है। शर्म आना चाहिए आप एक पुलिस के ऊपर आगे बढ़ते हैं, आप पुलिस की वजह से, आप लाइसेंस आप आज अगर सेफ देते हो तो पुलिस की वजह से देते हो, तो आप मैं नीचे तना जी शर्म आना चाहिए कैप्टन साहब, कैप्टन साहब एक की वजह से आप सेफ देते हैं प्लीज कैप्टन लाइसेंस। एक सेकंड रशीद साहब सुन लिए आपकी बात, एक सेकंड यतीश चित्रानंद जी, ये जो पूरी एक स्थिति है, अपनी आदत सुधारिए, जो आप अरे सर मुझे लगाने दीजिए, धर्म गुरु बन के हिंदू मुसलमान करते रहते हो, अपनी आदत सुधारिए पहले, एक सेकंड मत कीजिए, लड़ाई आप जैसे मुल्ले करवाते हैं, आप जैसे मुल्ले करवाते हैं हिंदू मुसलमान करके। सर एक सेकंड, आप कुछ बोल रहे हैं वो कुछ बोलेंगे, छोड़ दीजिए मैं आगे ले चलता हूँ। यतीश चित्रानंद जी, ये जो एक स्थिति है जिसमें एक बात तो निकल कर कहीं ना कहीं आप भी मानती होते हैं कि कई बार दंगे होते नहीं, कई बार दंगे कराए जाते हैं, ये दंगे कराए जाते हैं, क्या इससे आप इत्तफाक रखती हैं? और अगर ऐसा है तो फिर ये दंगे कराए जाना रुकेगा कैसे, क्योंकि वो तो पार्टियों के स्तर पर, सरकारों के स्तर पर एक बड़े पहल की शुरुआत होनी चाहिए। देखिए जब्बार जी, मैंने तो पहले कहा हम धर्मगुरु हैं तो हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम अपने लोगों को समझाएं, लेकिन ये एक तरफा पहल कभी भी कामयाब नहीं होगी, बिल्कुल हर तरफ से पहल होनी चाहिए। मैं आरोप लगा दीजिए, जब सीए के विरोध में वहां शाहीन बाग 70 दिनों तक घेरा जा चुका है और आज भी वहां महिलाएं बैठी हुई हैं, तो इसका मतलब आप प्रीप्लांड थे, आप तैयारी कर रहे थे लगातार, एक दिन में एक घंटे में वेल्डिंग होकर रिक्शाएं तैयार नहीं हुई है। जब्बार जी, हमको इस इनपुट को ध्यान देना होगा, अगर हम ध्यान नहीं देंगे तो ये रुकने वाला नहीं है, अगर हम सब चीजों को धर्म के नाम पर कह के इग्नोर करते रहेंगे तो कितने दिन देश चलने वाला है, ये देश गृह युद्ध की स्थिति में आज खड़ा हुआ है, दिल्ली इसकी दस्तक दे रही है, लेकिन हम इसको पहचानने के लिए तैयार नहीं है। चर्चा के आखिर हिस्से में हम लोग हैं, इसलिए मैं चाहता हूं कि कुछ ऐसे पॉइंट्स आए जो एक सजेशन के तौर पर सरकारों के सामने, आप बताइए ना, सीए को लेकर ये इतनी बड़ी हिंसा फैलाई गई, क्या सीए एक ऐसा कानून था जो देश के किसी भी व्यक्ति को, हिंदू मुसलमान ईसाई किसी को भी प्रभावित करता था? एक आज एक सार्थक बात लोगों के जहन में आए, जब्बाजी सार्थक तो यह है कि हर व्यक्ति को अपने समाज के हर जिम्मेदार व्यक्ति को उसका जिम्मेदारी लेनी होगी। ठीक है, मेरा ये कहना है हर व्यक्ति को, हर जिम्मेदार व्यक्ति को उसका जिम्मेदारी लेनी होगी, अन्यथा कुछ भी नहीं होने वाला इस देश में। यदि चेतनानंद जी आपका सजेशन सरकार के लिए, एजेंसीज के लिए, समुदायों के लिए, अब आपका सजेशन क्या कि इन तमाम सरकार से, मैं देखिए सरकार से मैं एक अपील करना चाहती हूं कि जो भी इसमें दोषी पाए जाएं उन पे सख्त से सख्त कार्रवाई हो, ताकि ये कार्रवाई नजीर बने और आगे इससे लोग सबक ले सके। ऐसे भी तो कदम उठाने होंगे जिससे जिससे वो मानसिकता, जिस मानसिकता का जिक्र इंद्रजीत जी कर रहे थे, वो मानसिकता ही टूट जाए। देखिए ये मानना पड़ेगा सरकार को, सरकार इससे डिनायल मोड में नहीं आ सकती है, या तो मैं रशीदी जी की इस बात से 100% सहमत हूँ कि या तो इनपुट नहीं था, अगर इनपुट नहीं था तो भी फेलियर था, और इनपुट था और कार्रवाई नहीं हुई तो भी फेलियर है। मैं विनोद जी आपकी तरफ आऊं, उससे पहले एक कैप्टन आइसिंग साहब को यहां ला रहा हूं। ठीक है और मैं बहुत देर से जोसेफ जी की तरफ नहीं आया, आ रहा हूं मैं सर आपकी तरफ। कैप्टन आइसिंग साहब, ये जो चेतनानंद जी ने जिस बात का जिक्र किया कि अब उस पर किस तौर पर आगे आने वाले दिनों में क्या तस्वीर अब देखी जाए, बिल्कुल जो है ना सरकार जो है ना इस पे पूरा जो है ना अपनी जिम्मेवारी निभा रही है,
और तभी जो है ना अब जांच हो रही, सब पकड़े जा रहे हैं, उनके नाम FIR दर्ज हो रही। आपने एक चीज देखा होगा कि दिल्ली में एक पूरे वर्ल्ड का इतना बड़ा राष्ट्रपति हमारे दिल्ली में देश में आ रहा है, वो भी दिल्ली जैसे शहर में जहां हमारी राजधानी है हिंदुस्तान की, उसमें आ रहा है। तो सरकार उसके जो है ना स्वागत में व्यस्त है, क्योंकि वो पहला कर्तव्य था कि हमारे यहाँ एक इतना बड़ा वर्ल्ड का राष्ट्रपति आ रहा है, उसको स्वागत में कोई कमी ना रह जाए। मगर इन लोगों ने आप सुने पहले, इन लोगों ने जानबूझ के इस टाइम का मौका चुना कि सरकार उधर व्यस्त है, हम यहाँ दंगा करें और दिल्ली को जलाना शुरू कर दें। ठीक है, अपनी ड्यूटी पुलिस कभी गलत हो ही नहीं सकती। कैप्टन सिंह साहब, सजेशन क्या है सरकार के लिए, पुलिस के लिए, आम जनता के लिए, समुदायों के लिए? बट कुछ सजेशन यही है कि इस तरह के जो जो हम चाहे मौला हो या कोई भी हो, ये जब तक टीवी पे आते रहेंगे और जहर उगलते रहेंगे, इस तरह के दंगे होते रहेंगे। जहर जहर चाहे टीवी के माध्यम से उगला जा रहा हो, जहर चाहे पार्टियों के स्पीचेस में उगला जा रहा हो, जहर चाहे लोगों के दिलों में और इस वक्त जहन में पुरोया जा रहा हो, उसको खत्म करने की जरूरत है। एक इस पर अब काउंटर में आपका चाह रहा हूं, विनोद सिंह जी, मैं बहुत देर से आपकी तरफ आ नहीं सका हूं। अब ऐसी स्थिति में कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता या नेता होने के नाते आगे किस तौर पर आप लोगों की सार्थक कोशिश दिखेगी? देखिए, मैं अपील करूंगा कैप्टन साहब ना बोलें बीच में। देखिए सर, कोई नहीं बोलेगा जल्दी। देखिए सरकार को ईमानदारी से, मैं कोई व्यक्तिगत राजनीति और सकारात्मक, ये जो चुनौती है इसका हल क्या निकलेगा, इस पर चर्चा करने की आवश्यकता है, चाहे उस पार के हों चाहे इस पार के हों। शांति सबके लिए बुनियादी बात है। धर्म के आधार पर जब धर्म के आधार पर, देखिए जो पीड़ित है उसका धर्म उसकी पीड़ा है, जो संकट में है उसका पहला धर्म वही है, और धार्मिक आधार पर, धार्मिक चश्मे से जब आप वर्गीकरण करने का काम करेंगे, जब एक नैरेटिव अलग से करने का काम करेंगे, तो इसका स्थायी सोल्यूशन नहीं निकल पाएगा। और भारतीय जनता पार्टी दंगाई सरकार जब से सत्ता में आई है, लगातार ऐसी घटनाएं क्यों हो रही है, किसकी जिम्मेदारी इनकी है? ये गांधी का देश है, ये संविधान से चलेगा, जंगल राज से देखिए पूरी चर्चा को हमने इस जोन से बाहर रखा था। ये किसी की जबरदस्ती, किसी की तानाशाही, किसी की सीमित सोच। ठीक है सर, कैप्टन आपने बोला था, सर आपने भी बोल लिया उतना, सर आपने बोला यतिनंदी एक सेकंड। ठीक है, मैं एक बार लखनऊ चला जाऊं उनके जोसेफ मसीह साहब का, उसके बाद आप दोनों की तरफ मैं आपकी तरफ आता हूं। एक सेकंड कैप्टन जोसेफ मसीह साहब, एक सेकंड ठीक है एक सेकंड जोसेफ मसीह साहब, आखिर में आपसे सजेशन भी और आखिरी कंक्लूडिंग रिमार्क्स भी, कैसे रुके इन तमाम चीजों को, कैसे रोका जाए खासतौर पर धर्म की इस अफीम को जिससे जहर फैलाया जाता है? जब्बार भाई, हम लोग की सबसे बड़ी गलतफहमी है कि धर्म सबसे ऊपर है। पहली बात तो हम लोग सब समान हो, पर मुसलमान भाइयों को भी चाहिए कि वो हिंदुस्तान में रह रहे हैं और उनके बहुत से दोस्त हिंदू भी होंगे, और जो हिंदू है उनके दोस्त मुसलमान भी एक भाईचारा के साथ रहें और सरकार से एक वार्तालाप स्थापित करने की कोशिश करें। अब जैसे मैं एक छोटी सी बात मैं कुछ करूंगा, अगर मान लीजिए एक भाई ने बोला कि उनको मूलभूत सुविधाएं दी जाए, अगर मान लीजिए जनसंख्या पे कानून आते पॉपुलेशन कंट्रोल पे आता है तो उसका साथ मुसलमान भी दे, हिंदू भी दे, ईसाई भी दे। और देखिए, जब तक हम लोग एक दूसरे को टीवी पे, सोशल मीडिया पे आके जहर उगलते रहेंगे, दंगे ऐसे ही होते रहेंगे। अगर मैं कहूं कि डिबेट में अगर इसको कंट्रोल ना किया जाता, डिबेट में ही आपके दंगे हो जाते हैं जी। चलिए, यानी कि हर इंडिविजुअल को अपनी स्तर पर, अपने लेवल पर शुरुआत करने होंगे। जी इंद्रजीत जी, दिल्ली दंगों की कोई जिम्मेवार है तो सोनिया गांधी है। सोनिया गांधी एक सेकंड विनोद जी, एक सेकंड काउंटर खुले हम कहा एक सेकंड ठीक है घर से बाहर निकलिए, वक्त खत्म हो रहा है, लड़ाई थोड़ा सा वक्त में तीनों का इंतजार नहीं रिमार्क दूंगा। जाबार भाई जी, ये दोनों अपने ना नंबर बनाने में लगे हुए हैं। अगर इन दोनों की डिबेट से सर, अगर ये 45 में से सुनिए 45 में से एक भी वापस आ सकता हो तो ठीक है, नहीं आ पाएगा। पहली बात मैं ये कहना चाह रहा हूं, अभी आने वाले टाइम पे बंगाल में और आपके बिहार में चुनाव है, मैं निवेदन करूंगा न्यायालय से, मैं निवेदन करूंगा इलेक्शन कमीशन से कि आप आने वाले चुनाव के लिए गाइडलाइन बनाएं। अगर आप सीख लेना चाहते हैं, न्यायालय रात को 12 बजे भी डिसीजन देती है, इलेक्शन कमीशन इनको फ्री हैंड करा जाए
और आने वाले के लिए नजीर साबित करे कि जब इलेक्शन होंगे उसमें आप जाति धर्म के आधार पर वोट नहीं मांगेंगे, आप पिछले मुद्दों को नहीं उठाएंगे, आप काम के आधार पर वोट मांगेंगे, आप पब्लिक के हित की बात करके वोट मांगेंगे। जब तक आप इन बड़ी एजेंसी को फ्री हैंड नहीं करेंगे, महत्वपूर्ण आपने बिंदु उठाया, जब तक ये दंगे होते, डॉक्टर सुनील कौशिक साहब, सर जल्दी से, मेरे पास वक्त बहुत कम है, एक मिनट से भी कम का वक्त है, दोनों लोगों से राय लेनी है। ये चुनाव के अंदर जाति धर्म की बात जो करे उस पर चुनाव आयोग सख्त पहरा लगाए, इसकी अब जरूरत है? उससे पहले मेरा कहना है कि जब तक हम जो धर्म के आधार पर संविधान में जो व्यवस्था है, सारे लोग सारी पार्टियां जब तक उसको खत्म नहीं करेंगी, वन देश एक कानून एक देश वाली बातें नहीं होगी तो सब खत्म हो जाएगा, न मुस्लिम रहेगा, न हिंदू रहेगा, न एससी रहेगा, न ओबीसी रहेगा, सब खत्म हो जाएगा। सबसे पहले सारे लोगों को मिलकर के एक देश एक कानून वाली और बात, उसके लिए एक अच्छी मानसिकता, बिल्कुल अच्छी मानसिकता। आपको क्या लगता है कि वाकई कहीं कोई खामी चूक है पुलिस में जिसको आप चाहते हैं कि सुधार हो जाए? और आखिरी रिमार्क, नहीं मैं एक बात ये कहना चाहता हूं जब्बार भाई, कि पुलिस पे आरोप लगा के ये सबसे बड़ा सॉफ्ट टारगेट है और एक रिवाज पूरा कर लिया जाता है चाहे कहीं कुछ भी हो, पर इस तरह से समस्या का समाधान नहीं होगा। समस्या का समाधान होगा जब हम इसको समग्रता से देखेंगे और जो भी हिस्सा है, चाहे पॉलिटिकल पार्टी है, धर्म गुरु हैं, प्रेस है, सब मिलके एफर्ट करेंगे तो जब जिम्मेदारियों का निर्वहन करना होगा, अपने अपने स्तर से सभी को अपना कंट्रीब्यूशन देना होगा। बहुत शुक्रिया कैप्टन आई सिंह साहब, विनोद सिंह साहब, सुनील कौशिक साहब, यति चेतन सरस्वती जी, मोहम्मद मौलाना साजिद रशीदी साहब, इंद्रजीत सिंह साहब, जोसेफ मसीह जी और डीएस अवाना साहब, आप लोगों ने वक्त निकाला और आज हमने एक सार्थक चर्चा की और उम्मीद करते हैं कि लोग इन तमाम चीजों की बुनियाद पर अब एक बार फिर से सोचेंगे कि अपने अपने स्तर पर हम कैसे ऐसे दंगों को रोकने के लिए कि दंगे हो ही ना, इसके लिए हम माहौल देने में कितने कामयाब हो पाते हैं, क्योंकि आज जरूरत उसी बात की है। और इसीलिए हमने आज इस एक घंटे की चर्चा में सिर्फ यही समझने की कोशिश की कि क्या धर्म के आधार पर ही, धर्म के दूसरे पर्सपेक्टिव में लोगों के जहन में धर्म के आधार पर जहर भरा जाता है और उसी के जरिए दंगा कराया जाता है। उम्मीद है इन तमाम चीजों को आपने ध्यान से सुना और समझा होगा और इंडिविजुअल लेवल पर अपने अपने एफर्ट का कंट्रीब्यूशन जरूर देंगे। अभी के लिए इतना ही। 50 लुंडे इधर से आते हैं, स्कूल गेट पे हाथ मारते हैं। 3 घंटे बाद फायर ब्रिगेड आई है यहाँ पे। यहाँ पर आग लगा दी 2 आदमियों ने।